नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंडियन इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना के अंतर्गत दो बड़ी अपडेट को लेकर। जी भाई, पीएम आवास योजना के अंतर्गत दो बड़ी अपडेट आई हैं। दोनों अपडेट उन सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है जिन भाइयों को आवास का पैसा अभी तक नहीं पहुँच पाया है। डेली सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं सबका कमेंट पढ़ पाता हूँ दोस्तों, लेकिन यही है कि मैं सभी के कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। कोशिश यही रहती है कि मैं आपके कमेंट के जवाब के ऊपर भी वीडियो बना देता हूं, आप सभी का सवालों का जवाब मैं अपने वीडियो में दे देता हूं। तो चलिए भाई, बात करता हूं कि पीएम आवास योजना की दो बड़ी खबर को लेकर। अभी जो अपडेट आई है, ये सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जितने आवास लाभार्थियों का पैसा नहीं आ पाया था उनकी रीज़न बताने वाला हूँ। पहली बात तो ये रीज़न है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का बैंक फेलियर आ रहा है। जी भाई, लगभग बहुत सारे लोगों का, जितने लोग नए आवास के लाभार्थी हैं, बहुत सारे लोगों का IFSC कोड गलत होने की वजह से ना, और कुछ लोगों का बैंक अकाउंट मिसमैच करने के लिए, यानी बैंक नंबर मिसमैचिंग होने की वजह से बहुत सारे आवास लाभार्थियों का पैसा नहीं भेजा जा रहा है। तो पहला रीज़न है भाई, यानी पहली बड़ी अपडेट आई है। जितने लोगों को, बहुत सारे लोगों का, कम से कम 800-900 लोगों का हर एक नगर पंचायत पर लिस्ट चिपका दी गई है, आप लोग जाकर संपर्क कर सकते हैं। और यही सेम कंडीशन है ग्रामीण आवास योजना में भी। ग्रामीण आवास योजना में तो आप लोग चेक भी कर सकते हो, लेकिन शहरी आवास में चेक नहीं कर सकते हैं। तो जितने लोगों को शहरी आवास योजना के लिए प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी लोगों का वहाँ पर नगर पंचायत पर जाकर वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर स्लिप लगाई गई है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट को लेकर। दूसरी जो बड़ी अपडेट आई है वो भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, क्योंकि बहुत लोगों में रियर कॉमन दिखा गया है। दूसरी अपडेट है जो आवास योजना के लिए भी है और आधार कार्ड के लिए भी है। जब जितने लोगों का आधार कार्ड है, ध्यान से सुनेंगे भाई, जितने लोगों का आधार कार्ड 10 साल से कुछ भी काम नहीं करवाए होंगे, क्योंकि जो हमारे दादा दादी हैं, जो हमारे पिताजी हैं, उनके आधार में मुश्किल से ही कोई काम हो पाता है। तो उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि जितने लोगों का आधार कार्ड लगभग लंबे समय से अपडेट नहीं हो पाया था, उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो अपने आधार कार्ड को अपडेट जरूर करवाएं, क्योंकि अगले कुछ दिन से सरकार ये नियम को बहुत ही तेज़ी से और सख्ती से लागू करने वाली है। अगर आप लोग आधार कार्ड को अभी अपडेट नहीं करवाते हैं, यानी अभी जल्दी अपडेट नहीं करवाएंगे, तो आगे चल के आपको भी लाइन झेलनी पड़ जाएगी, जिससे कि आपको आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब ये इसलिए है क्योंकि आवास में भी आधार अपडेट रहेगा, तभी आपका आधार बैंक से वेरीफाई होगा, और बैंक वेरीफाई रहेगा तभी आपका पैसा, आवास का पैसा आपके खाते में रिसीव हो पाएगा।